के भारत माता की। बच्चों दोनों हाथ उठा करके और हमारे ब्रह्मचारी भी देखो, अभी तो आपकी भी मुख्य ऊर्जा के स्रोत मेरे पास में विद्यमान है, तो जरा दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके भारत माता की। अब लगा हुआ कि आप सब जागे हुए भीतर से और जागेंगे और फिर सारे भ्रष्टाचारी देश ही नहीं पूरी दुनिया से भागेंगे, बोले भारत माता की। तो अब दीदी माँ का आशीर्वाद दिलवाओ, तो जोर से ताली बजानी पड़ेगी आपको। और जब तक दीदी माँ बोलेंगी नहीं तब तक ऐसे ही बजाते ही रहिए आप। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की, भारत माता की, अखंड भारत की, पतंजलि योग पीठ की, श्रद्धे आचार्य जी की, पूज्य स्वामी जी की। मेरा परम सौभाग्य है आज जड़ी बूटी दिवस आचार्य जी के जन्मोत्सव पे मुझे पतंजलि योगपीठ के सभी सेवाव्रतियों का, आचार्य कुलम के सभी विद्यार्थियों का, उनके आचार्यों का और मंच पर विराजमान सभी संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं आदरणीय पूज्य श्रद्धे वंदनीय श्री विजय कौशल जी महाराज उनके तप को वंदन करती हूँ और पूज्य स्वामी जी के तप को वंदन करती हूँ। आचार्य जी जिनके जन्म दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी को जब साथ देखते हैं ना, तो वंदनीय श्री विजय कौशल जी महाराज ने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि वो याद कर रहे थे एक गीत कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। ऐसा अद्भुत संगम, जब एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है ना, आप जानते हो बच्चों अलकनंदा बहुत विस्तृत विस्तार प्रवाह लिए हुए, बड़ा वेग है, बड़ा बड़े चौड़े पाट हैं, बड़ा प्रवाह है, बड़ी ऊर्जा है, लेकिन जब वो गंगा जी में अपने को समर्पित करती है ना, तब वो अलकनंदा नहीं कहलाती, तब वो गंगा ही हो जाती है और गंगा को बड़ा विराट स्वरूप देती। समर्पण ऐसा होता है बच्चों। अगर आज हम इस पूज्य स्वामी जी की मानस सृष्टि का दर्शन कर रहे हैं तो इस मानस सृष्टि को साकार किया है जिन्होंने, मेरुदंड बनकर जो पीछे खड़े हैं, कौन है वो? आचार्य जी हैं। उनकी जो मुस्कान है ना, वो उसको देखो तो हमारे वृंदावन के कन्हैया जी याद आ जाते हैं, नाम भी उनका बाल कृष्ण। और आज आप जड़ी बूटी दिवस मना रहे हो। मैं बहुत वर्षों पहले देश के अंदर घूम घूम के एक बात करती थी कि जहां शस्य श्यामला धरा ना हो, नवहवन धूम्र से भरा ना हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दशानन ने हर ली, मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही, अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका दाह करे, जहां प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप, श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। जहां वासनाएं लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निकले, जहां न्याय कड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। जहां राजनीति लग गई गले, जहां देखो वहां राजनीति, सेवा के जगत में भी राजनीति, राष्ट्र के उत्कर्ष में जो अपने को अर्पित करते हैं उनके चित्त में भी प्रतिस्पर्धाओं का जन्म होता है,
ऐसे प्रदूषित वातावरण के अंदर आशा जगी, मेरी धरती सस्य श्यामला होगी, मेरे भारत माता की प्रकृति के मुखारविंद पर अधूर अधूरों पर मंद मंद मुस्कान आएगी, मेरे देश के बच्चे वासनाओं से नहीं संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाएंगे। अक्सर मैं कहती हूं कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, जिनको वासनाओं की शराबों से नहीं संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। आज आचार्य कुलम के भैया बहनों को देख रही हूं, देश की तरुण शक्ति को सेवा व्रत धारण किए हुए कि आपके सामने कपिल कणाद की परंपरा के संवाहक बनना है, आपको उस पथ पर चलना है जो कंठ का कीर्ण है, अपनी इच्छाओं पर अंकुश करना है, अपनी वासनाओं पर विजय पानी है, अपने मन की उच्छृंखलता को शांत करना है, और फिर तपस्वी भेष धारण करके, तपस्वी मौन धारण करके चुपचाप मातृभूमि के लिए, इसकी बुनियाद में चरित्र और नैतिकता की बुनियाद में, देश व्यामोह में अपने आप को पारा है। इस देश के अंदर अपने आपे को खोकर जिसने दूसरों के कल्चर के कचरे को चाटना प्रारंभ किया, मुझे बहुत कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं कभी कभी, और मैं इसके लिए बहुत विवादित भी हूं। लोग कहते हैं साध्वी रितंबरा डर लग रहा है, और मैंने कभी भी जब सच कहा तो वो सच ही था। कितना गौरव करोगे किसी दूसरे की जूठी पत्तल चाटकर, जबकि आपके पास संस्कारों संस्कृति धर्म वांग्मय इतनी अद्भुत इतनी उच्च परंपरा प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए था, उपेक्षा का भाव उसके प्रति पैदा कर दिया गया। हमारे बच्चे अपनी सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी जब उदय हुए, पतंजलि की जय जयकार हुई, कैसे अपने चैनलों के द्वारा कभी कभी मजाक का विषय भी बना, लेकिन अपने मान और अपमान को बहुत बार कीर्ति के चक्कर में हम चुप बने रहते हैं, हमारी इज्जत पे दांव ना लग जाए, हमारी इज्जत पे धब्बा ना लग जाए, लोग हमें साधु मानेंगे या नहीं। स्वामी जी ने कहा कि लोग हमें साधु माने ना माने, लेकिन मां भारती तो ये कहे कि कोई तो मेरा पुत्र भगवा भेष धारण करके निकला, उसने चाणक्य का स्मरण दिलाया, वो चाणक्य जिसने तक्षशिला नालंदा में ढूंढ लिया था चंद्रगुप्त को, धनानंदों की सत्ता को उखाड़ूंगा मैं, भ्रष्टाचारियों की जड़ों में मठा डालूंगा मैं, इस दृढ़ता के साथ गांव गांव घूमे भटके, अपेक्षा नहीं की, और अपेक्षा उनसे हो भी नहीं सकती, राजनैतिक लोगों में दम नहीं है कि वो किसी सन्यासी के ऋण को चुकता कर सके। हाँ, सन्यासी स्वयं अपने को ऋणी मानता है मां भारती का, और भारती जब मुस्कुराती है, देश देश माता के माथे पर जब गौरव का दैदीप्यमान गौरव सूर्य की तरह चमकता है, वो मां के मन में तृप्ति मिलती है। और एक बात याद रखना बच्चों, तुम यहां सेवा व्रती मेरे सम्मुख आचार्य जी के जन्म दिवस का विषय, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना मन में कहने को होता है, अब अपने पे अंकुश लगाने जा रही हूं, इतना ही निवेदन करूंगी कि लकड़ियां चूल्हे में भी जलती हैं और लकड़ियां हवन कुंड में भी जलती हैं। जो चूल्हे में जलती हैं जलकर राख बनती हैं, दुनिया बर्तन मांझती है, या उस राख से मलमूत्र को ढक दिया जाता है, या वो राख कूड़े के ढेर पर पहुंच जाती है, लेकिन वो लकड़ियां जो समिधा के साथ यज्ञ कुंड में जलती हैं, वो जलकर राख नहीं बनती बच्चों, वो जलकर विभूति बन जाती हैं, भस्मी बन जाती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सरकार वो नहीं कर सकती जो एक सन्यासी कर सकता है। विनोबा भावे कहते थे सरकारी काम असरकारी नहीं होता, और जो असरकारी होता है वो सरकारी नहीं होता। पतंजलि के इस प्रांगण में आचार्य जी के जन्म दिवस पर जड़ी बूटियों को समर्पित ये दिन
मैं धन्य हुई हूँ प्रकृति और परमात्मा के साधक हम सब अपने अपने हिस्से की भूमिका निभा के अपने अपने समाधान के साथ लगे हैं। ये उपकार किसी और के लिए नहीं है, ये अंतर तृप्ति की साधना है, ये अपने आप को धन्य करने का ही पथ है। हम धन्य होंगे, हमारी गागर भरेगी, छलकेगी, औरों पे भी छींटे पड़ेंगे, वो भी धन्य होगा। मैं आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई, वो बहुत वर्षों वर्षों जिए, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, हमारे आचार्य जी आपकी जिंदगानी रहे।